हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉट ऑफ स्पाइसेस। मैं हूँ दीक्षा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे कटहल दो प्याजा, और इसके जो मसाले हैं और किस तरह हमें बनाना है उस स्टेप को आपको ज़रूर फॉलो करिएगा, और इस रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप सरसों का तेल। तो यहाँ पर अपना ऑयल गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें कटहल फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस में हमने कटहल को काट लिया है, और कटहल की जो क्वांटिटी है ये आधा किलो के आसपास है, यानी 500 ग्राम। और इस हिसाब से हम इसके सारे मसाले डालेंगे। तो अभी आप आगे देखेंगे कि हमें कितना कितना मसाला इस क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो इसको अभी हमको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है सबसे पहले। तो दोस्तों, आज मैं कटहल दो प्याजा की जो सब्जी है उसको सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप अपने मनपसंद के ऑयल में इसे आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना कटहल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राई किए हुए तेल में हम ये सब्जी बनाएंगे, इसीलिए मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया था। और अब हम इसमें लगा देंगे तड़का। तो तड़के में आप देखिए क्या डाल रहे हैं हम। यहाँ पर हम ले रहे हैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, एक टुकड़ा रतनजोत, ये लगभग 2 इंच के आसपास है, एक फूल जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 10 से 15 साबुत काली मिर्च। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे 4 सूखी हुई लाल मिर्च। तो दोस्तों, ये सूखी हुई मिर्च अगर आपको क्वांटिटी ज्यादा लग रही है तो इसे कम कर सकते हैं। और इसके साथ में हम डाल देंगे 2 इंच के आसपास दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक। तो अभी हम थोड़ा सा इन मसालों को भून लेंगे, और इसके बाद में हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना साबुत मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर 2 अदद लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये कलियाँ कुल मिलाकर 20 से 30 कलियाँ हैं जिसका इस्तेमाल हमको करना है। तो लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर 4 बड़े साइज का प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने थोड़ा मोटा काट लिया है। आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने काट लिया है। और इस कटहल दो प्याजा बनाने के लिए हमको प्याज जो काटना है वो थोड़ा मोटा काटना है, और इसको अभी हमको हल्का सा भून लेना है। हम इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ता, और इसी के साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्च। तो दोस्तों, अगर आपको हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ानी है या कम करनी है तो कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। और इसको हल्का सा भून लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई धनिया डाल देंगे। आप ये देख सकते हैं ये साबुत धनिया है, इसको थोड़ा सा कूट लें और इसको इसमें डाल दें। और इसी के साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे हल्दी। और अब इन सबको थोड़ा सा हम भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मसाले प्याज में अच्छी तरीके से मिल चुके हैं, और अब हम इसमें फ्राई किया हुआ कटहल डालेंगे, और इसको इन मसालों के साथ में अच्छी तरह से हम मिला लेंगे।
और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे और इसको थोड़ी देर अभी हम भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना कटहल और प्याज अच्छी तरीके से भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जायफल। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जायफल का एक तिहाई भाग ले लिया है और इसको हम ये छोटी वाली कद्दूकस से घिसकर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस जायफल को लास्ट में डालने का क्या राज है? इस कटहल दो प्याजा में इसका बहुत अच्छा राज ये है कि इससे इसकी सारी जो खुशबू है और इसका टेस्ट जो है इस कटहल दो प्याजा में आ जाएगा, क्योंकि जायफल का जब आप इस्तेमाल करें तो देखिए वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महकता है और ये इसकी सारी खुशबू जो है ये लास्ट में डालने पर इस कटहल दो प्याजा में आ जाएगा। और इसको अच्छी तरह से अब कटहल के साथ मिला दें और इसी के साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। आप ये पानी देख सकते हैं कि हमने आधी कटोरी से भी कम पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। इसके बाद में प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर एक सीटी आने देंगे और आपका कटहल दो प्याजा बनकर तैयार हो गया है। तो लीजिए दोस्तों, आपका कटहल दो प्याजा बनकर तैयार हो गया है और आप जब इसे खाएंगे तो आपको कटहल की जगह आपको ऐसा लगेगा कि आप मटन खा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात पे आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।